Hello everyone, how are you all? I'm Neha Agrawal and welcome back to my YouTube channel. So in the last video, we have discussed about time and work and उसी में एक topic है pipe and cisterns, right? वो रह गया था, तो आज के video में I'm going to cover that. Now, let's go to my board. Yes. Now, मैं थोड़ा सा पहले का revise कर देती हूँ जो last video में बताया था. If you want a detailed explanation, you can watch the last video. I'll include those in playlist. ठीक है? अभी क्या बोलते हैं, क्या है इसका इंट्रोडक्शन वर्क एंड टाइम का, कि इफ नेहा कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 4 days, देन वर्क डन बाय नेहा इन 1 day इज 1/4. देखिए, 4 दिन में नेहा एक कंप्लीट काम कर लेती है. ठीक है, अब मैंने एक क्यों लिखा, क्योंकि कभी भी कंप्लीट वर्क डन को 1 बोला जाता है. वो क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर हम जनरली बात करें डे टू डे लाइफ की भी, तो हम क्या बात करते हैं, मैं एक पूरी चॉकलेट खा लूंगी, राइट? तो पूरे को या कंप्लीट को एक से ही बताया जाता है, इसलिए कंप्लीट वर्क डन को भी वी आर यू नो डिनोटिंग इट बाय 1. सो इफ 4 days में वो 1 वर्क पूरा कर लेती है, तो 1 day में कितना करेगी, 1/4 करेगी. ओके, लाइकवाइज, और अगर शॉर्ट फॉर्म में देखना है, तो 4 दिन में पूरा काम, 1 दिन में इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/4. इतनी बात याद रखनी है. सेकंड है, इफ वर्क डन बाय नेहा इन 1 day इज 1/7, मतलब कि 1 दिन में वो 1/7 काम करती है किसी भी काम का, तो टाइम टेकन बाय नेहा टू फिनिश द वर्क विल बी 7 days. 1 दिन में 1/7 काम करती है, राइट? या आप कह लो उल्टा, 1/7 काम करती है 1 दिन में, तो एक पूरा करने के लिए, राइट, 1 पूरा करने के लिए कितना लगेगा, 1 day डिवाइडेड बाय दिस 1/7, या आप कह लो 1, इसको सॉल्व करने के लिए मैं डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन बना दूं और इस चीज का रेसिप्रोकल कर दूं, दैट इज 7/1. सो कम्स आउट एज 7 days. ठीक है, फिर शॉर्ट फॉर्म देखें, तो अगर 1 day में 1/7 है, तो पूरा काम करने के लिए इसको कितना लगेगा, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 7 days. और वैसे भी देखो, देखो 1 day में 1/7 काम होता है, तो मुझे पूरा काम करवाना है, दैट इज 1 काम करवाना है, तो इसमें मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, या मैं इसमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करूं कि मुझे केवल 1 मिले. डेफिनेटली 1/7 को जब मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगी, तभी मुझे 1 मिलेगा ना, दैट इज 7 days. ठीक है, जिस भी तरीके से आपको याद रखना है आप याद रख लीजिए. चलिए, अब पाइप एंड सिस्टर्न की बात करें तो भी सेम होता है. मान लीजिए कि अगर कोई एक इनलेट पाइप है, मतलब पाइप जो पानी भरता है, ठीक है, वो एन आवर्स में भरता है पानी, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो पानी, इसी यहाँ पे डेज की बात हो रही है. अब पाइप एंड सिस्टर्न के केस में आवर्स की बात हुई है, ठीक है, तो 1 आवर में कितना होगा इसका रेसिप्रोकल, सॉरी, इसका रेसिप्रोकल, दैट इज 1/n हो गया. और इनलेट पाइप क्या होता है, जो पाइप भरता है, पानी भरता है जो पाइप. ओके, अब वर्क डन बाय आउटलेट इन 1 आवर विल बी -1/n. ये क्या है, अब देखिए, आउटलेट पाइप क्या होता है, जो पानी बाहर निकालता है, है ना. अगर पूरा पानी बाहर निकालने में आउटलेट पाइप को एम आवर्स लग रहे हैं, तो 1 आवर में वो कितना पानी बाहर निकालेगा, 1/n बाहर निकालेगा. ठीक है, डन. पर अब यहाँ -1/m क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए इनलेट पाइप तो काम बना रहा है, पानी भर रहा है, राइट, और आउटलेट पाइप क्या कर रहा है, काम बिगाड़ रहा है, ऐसा कह लो, तो बिगाड़ रहा है मतलब माइनस कर रहा है, राइट, तो इसीलिए इसको माइनस में लिखते हैं, मैं ऐसे याद रख. ओके, चल अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी टैंक इन 5 आवर्स, व्हाइल पाइप बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 6 आवर्स. इफ बोथ द बोथ आर ओपन एट द सेम टाइम इन एम्प्टी टैंक, दोनों, एक खाली टैंक है, ठीक है, दोनों ही पाइप को साथ में ओपन कर दिया. अब देखो, पाइप ए जो है वो भर रहा है 5 आवर्स में, 5 घंटे में वो पूरा खाली टैंक भर देता है. अब पाइप बी जो है वो क्या कर रहा है, खाली कर रहा है टैंक को, 6 घंटे में वो खाली कर देगा. अब दोनों को साथ में उन्होंने चालू किया हुआ है, पाइप ए भी चालू किया है, पाइप बी भी, ये भरता जा रहा है, ये खाली करता जा रहा है. तो अब क्वेश्चन ये है,
हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल इट कम्प्लीटली, मतलब टैंक को पूरा भरने में कितना टाइम लगेगा अगर दोनों जो पाइप्स हैं वो ओपन है. अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम. पाइप ए जो है वो 5 आवर्स में पूरा भरता है, राइट. तो 1 आवर में पाइप ए का काम कितना हुआ, 1/5 हुआ, राइट. वहीं पाइप बी जो है 6 आवर्स में पूरा खाली कर देता है, पाइप बी जो है वो 6 आवर्स में पूरा एम्प्टी कर देता है. तो 1 आवर में वो कितना कर रहा है एम्प्टी, 1/6. या अगर मैं वर्क डन की बात करूं तो ये काम बिगाड़ रहा है, दैट इज माइनस में करेंगे बात, ठीक है. अब ये दोनों को साथ में ओपन कर दिया है, ये कितना था 1/5, ये कितना था काम बिगाड़ रहा था माइनस 1/6 हो गया. अब एलसीएम लेंगे इसका हम, 5 और 6 का एलसीएम 30 आ जाएगा, यहाँ पे ये 6 आ जाएगा और यहाँ पे यहाँ माइनस 5 आ जाएगा. 6 - 5 विल बी 1/30. अब ये दोनों पाइप अगर साथ में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना होगा, 1/5 इज 1 आवर वर्क ऑफ ए पाइप, माइनस 1/6 इज 1 आवर वर्क ऑफ पाइप बी, ठीक है. तो ये जो 1/30 निकला है ये पाइप ए प्लस बी का 1 घंटे का काम निकला है. तब 1 घंटे में 1/30 करते हैं तो पूरा काम करने के लिए यहां से देखते हैं, अगर 1 घंटे में 1 आवर में, डे को मैं आर की में अगर सोचूं तो 1 आवर में 1/30 हो रहा है तो पूरा काम करने में कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा, दैट इज 30. ओके, सो 30 आवर्स विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 30 आवर्स लगेंगे पूरा टैंक को भरने में. अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन है. अ पाइप कैन फिल अ सिस्टर्न इन 9 आवर्स, ड्यू टू लीक इन इट्स बॉटम द सिस्टर्न फिल्स अप इन 10 आवर्स. If the cistern is full, in how much time will it be emptied by the leak? मतलब कि पहले तो समझ लेते हैं cistern क्या होता है. cistern मतलब एक स्टोरेज के लिए जो बर्तन हम रखते हैं या स्टोरेज के लिए जो टैंक रखते हैं उसको cistern कहा जाता है, ठीक है. अब बोल रहे हैं एक पाइप है वो cistern को भरता है 9 आवर्स में, बट एक लीक है जो कि मतलब लीक के कारण जो cistern है वो भरा जाता है 10 आवर्स में, ठीक है. तो सिस्टर्न फुल है, अब कितनी देर में लीक से पानी खत्म हो जाएगा. ओके, अब देखो इसमें पाइप ए, तो अगर मैं पाइप ए की बात करूं तो 9 आवर्स में पूरा भरता है तो 1 आवर में भरेगा 1/9, ये बात हो गई, ठीक है. अब लीक के कारण क्या हो रहा है, अगर मैं लीक की बात करूं, एल लिख देती हूँ, लीक के कारण वही काम हो रहा है 10 घंटे में, तो 1 घंटे में होगा 1/10. ओके, ये है एक्चुअल सिचुएशन. अगर इसको ऐसे सोचो कि लीक कैसे काम कर रहा है या लीक कितना काम कर रहा है एक दिन में. अब लीक को आप समझ सकते हो आउटलेट पाइप, ठीक है. तो लीक काम कितना कर रहा है, 1/9 माइनस 1/10, इतना टाइम एक्चुअल लग रहा था और 1/10 लीक के कारण लग रहा है पूरा फिल होने में. तो लीक कितना काम कर रहा है या वो जो आउटलेट पाइप है वो कितना काम कर रहा है, 1/9 माइनस 1/10. तो इसका अगर आप एलसीएम ले लो, लीक काम कर रहा है मेरा 1/9 माइनस 1/10, इसका मैं एलसीएम लू मेरा 90 आएगा, यहाँ पे मेरा 10 आ जाएगा, यहाँ पे मेरा 9 आ जाएगा, 10 - 9 विल बी 1/90. तो 1/90 लीक काम कर रहा है 1 आवर में, तो पूरा लीक को काम करने में लगेंगे 90 आवर्स का टाइम. और पूरा लीक का काम क्या होता है, खाली करना पाइप जो टैंक है उसको. तो मतलब कि 90 आवर्स में पूरा टैंक जो है वो खाली हो जाएगा या सिस्टर्न खाली हो जाएगा. ओके, तो यही था पूरा पाइप एंड सिस्टर्न का. आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें. इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, बाय बाय.